ठंड के मौसम में यह धुआं निकलता हुआ गर्मा गर्म सूप का सिप जब आप लेंगे तो उसके सामने सब फीका लगेगा। सूप तो आपने कई बार बनाए होंगे और पिए भी होंगे, लेकिन वेजिटेबल सूप बनाने का वो जो सीक्रेट तरीका होता है, कैसे वेजिटेबल सूप को हेल्दी बनाएं, कैसे परफेक्ट टेस्ट लाएं, सारे सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पर हम ले लेंगे 1.5 लीटर पानी। पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। अब हम पानी में डालेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता, बची हुई बीन्स, मटर के छिलके, शिमला मिर्च, प्याज, गोभी के डंठल, धनिया पत्ती के डंठल, पुदीने के डंठल, प्याज पत्ती के डंठल, पत्ता गोभी, गाजर, सारी चीज़ों को अच्छे से धो लेंगे। बारीक कटी हुई सब्जियों में जैसे प्याज, बीन्स, धनिया पत्ती, लहसुन, आप रेगुलर वाली लहसुन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये वाली लहसुन यूज किया है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, कॉर्न, शिमला मिर्च, टमाटर, ब्रोकली, ग्रेट की हुई अदरक, गाजर, मटर, पत्ता गोभी, आपको जो भी सब्जी पसंद हो वो आप ले सकते हैं। गर्म पानी में मटर के छिलके, प्याज, बीन्स, ब्रोकली, पत्ता गोभी, प्याज पत्ती के डंठल, धनिया पत्ती के डंठल, पुदीने के डंठल, गाजर, शिमला मिर्च डालकर चम्मच से मिला लेंगे। मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक इसे पकने देंगे। थोड़ा सा ढक्कन खुला रखेंगे ताकि पानी बाहर न आए। बीच में एक दो बार मिला लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पानी का कलर बदल चुका है, अब हम स्टैंडर में रख के छान लेंगे। यह देखिए, पानी का कलर बिल्कुल बदल चुका है। अब इसे स्टैंडर से छान लेंगे। वेजिटेबल स्टॉक बनके तैयार है। पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, साथ में डाल देंगे थोड़ा बटर, लहसुन, सबसे पहले लहसुन डालेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे, प्याज, मटर, गाजर, ब्रोकली, बीन्स मिला लेंगे, टमाटर, ग्रेट की हुई अदरक, कॉर्न, हरी मिर्च, लाल मिर्च, पत्ता गोभी, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, सारी चीजों को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा बटर डालेंगे,
अब इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल स्टॉक। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। सब्जियों को पूरा पकाना नहीं है, बिल्कुल क्रंची क्रंची रखना है। सारी सब्जियों में क्रंच रहना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च, काला नमक, सफेद नमक, स्वाद अनुसार डालें, मिला लेंगे। पर हम लेंगे 2 छोटे चम्मच आरारोट। आरारोट को ठंडे पानी से गोल कर लेंगे। गोल को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, अगर ज्यादा की जरूरत होगी तो डालेंगे। जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा ही डालेंगे। सब्जियां पक चुकी है, यह देखिए सब्जियां अच्छे से पक चुकी है, गली नहीं है बिल्कुल। नींबू का रस, सब्जियां पूरी क्रंची है। अब इसमें प्याज पत्ती और धनिया पत्ती डालकर गरम गरम सर्व करेंगे। तैयार है वेजिटेबल सूप। थैंक यू वेरी मच।